मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग amazon.com पे यूएसए वाला जो है कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अभी क्या हो गया है कि पहले अगर आप आज से 2 या 4 साल पहले की अपन बात करते हैं तो तब क्या होता था, सेलर्स काफ़ी कम थे और ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे लोगों को ऑर्गेनिक रैंकिंग के बेसिस पे आते थे। बट अभी लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा सेलर्स इंक्रीज़ हो गए हैं, चाहे आप अमेज़ॉन इंडिया की बात करिए, फ्लिपकार्ट की बात करिए, amazon.com USA की बात करिए, या किसी और कंट्री में ईबे या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करिए। तो सेलर्स जैसे ही बढ़ गए हैं तो अभी क्या हो गया है कि कोई भी बायर जब सर्च करता है, लेट्स से amazon.com पे अगर वो कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, कोई टी शर्ट उसने परचेस करनी है और वो सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले क्या आता है कि अभी टी शर्ट एक कीवर्ड है। अगर टी शर्ट के नाम से या टी शर्ट फॉर मैन के नाम से, कैजुअल टी शर्ट, इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं उस पर अगर वो सर्च करता है तो फ्रंट में और सबसे टॉप पे कौन से प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अभी ये कैसे डिफाइन होगा, तो पहले इसमें दो चीज़ें, एक तो ये हो गया कि जो टी शर्ट की अच्छी सेल आ रही है, जिनके फीडबैक अच्छे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो उस बेसिस पे ये ऑर्गेनिक रैंकिंग के बेसिस पे ऊपर वो सर्च में दिखेगा वो प्रोडक्ट। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा जो होगा वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होगा। स्पॉन्सर्ड का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, जिस प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट चल रही है विद इन ही अमेज़ॉन पोर्टल। अभी अमेज़ॉन का ये जो फीचर है अभी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में हो गया है, और अभी आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% सेल जो अमेज़ॉन पर आ रही है वो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे ही आ रही है, 50% से ज़्यादा ही सेल आ रही है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो उनकी अपनी जो कंपनीज़ है, क्लाउडटेल है, अपेरियो रिटेल है, तो इनके थ्रू जो प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनका तो कुछ अलग ही रहता है, वो आपको भी पता है कि वो भी एडवर्टाइजमेंट या ऐसा, तो पता नहीं वो उनका इंटरनल है तो उस पर अपन मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। पर जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, वो बाय स्पॉन्सर प्रोडक्ट या फिर ऑर्गेनिक सेल्स रैंकिंग के बेसिस पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप एडवर्टाइजमेंट अमेज़ॉन पे कैसे कर सकते हैं, .com USA पे किस किस तरह की एडवर्टाइजमेंट आप वहाँ पे रन कर सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे आप अपना मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं, और आप कैसे अपने जो बायर्स हैं, जो अमेज़ॉन पे जो बायर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको कैसे एज अ सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी फटाफट पोर्टल पर चलते हैं, मैं आपको ये फीचर के बारे में बताता हूँ, पूरा कैंपेन आप कैसे रन करेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ पोर्टल पे दिखाने से पहले। अभी एडवर्टाइजमेंट दो तरह से अमेज़ॉन ऑप्शन दे रहा है, या तो आप प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या ब्रांड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आपका जो भी आप प्रोडक्ट है, अगर आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट है, तो वो टी शर्ट को आप कैसे कीवर्ड्स उसमें डाल के आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। अगर जहाँ पे आप ब्रांड को प्रमोट करेंगे तो ब्रांड में क्या होगा कि जितने भी आपके उस ब्रांड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कोई भी उससे रिलेटेड कंपटीशन का ब्रांड या रिलेटेड कंपटीशन का प्रोडक्ट सर्च करता है तो आपका वहाँ पे ब्रांड का पूरा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। इनिशियल लेवल पे 2-3 प्रोडक्ट्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में, और अगर जो बायर है वो उस पर क्लिक करता है तो वो आपका एज अ आपके एक शॉप के पेज पे वो बायर को लैंड करवा देता है अमेज़ॉन, और वहाँ पे सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट करेंगे जो उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर हैं, जो आपका ब्रांड है। तो एक तो ये ब्रांड एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये बेसिकली आपके ब्रांड की अवेयरनेस के लिए होता है। इसमें इतने कन्वर्जन नहीं आएंगे, आपके पास इतनी अच्छी सेल्स नहीं आएगी। बट दूसरा जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन रन करते हैं तो उसमें आपकी ज़्यादा चांसेस है सेल्स आने की। तो उसके लिए कीवर्ड्स होते हैं। आप प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं तो उसको भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक होती है ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट और दूसरी होती है मैनुअल एडवर्टाइजमेंट। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब उस प्रोडक्ट पे आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं और अमेज़ॉन जो है वो वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है वो खुद डिसाइड कर रहा है कि किन कीवर्ड्स पे और किन कस्टमर को आपका प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट कराना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपैरल टी शर्ट कैटेगरी में है तो कोई और अगर टी शर्ट सर्च कर रहा है या ऐसे इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स पे सर्च हो रहा है, अमेज़ॉन खुद डिसाइड करेगा, उसके जो ऑटोमेटिक पोर्टल है वो खुद ही जो वो AI इंटेलिजेंस यूज़ करता है वो डिसाइड होगा और वहाँ पे आपका प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। और दूसरा ऑप्शन होता है मैनुअल एडवर्टाइजमेंट। तो मैनुअल एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कीवर्ड्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा प्रोडक्ट है तो मुझे पता है कि मैं क्या क्या कीवर्ड्स डालूंगा। अगर मैं यहाँ टी शर्ट का एग्जांपल लूँ तो मैं टी शर्ट फॉर मैन, कॉटन टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, इस तरह के कीवर्ड्स डालूंगा और इनके ऊपर मैं बिडिंग करूंगा। हर कीवर्ड में मैं कुछ बिडिंग डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पे 2 रुपये डाल दिए, एक पे 4 रुपये डाल दिए, ऐसे। और मेरा कंपटीशन जो है, मान लीजिए कोई और सेलर है जो वो भी टी शर्ट में ही डील कर रहा है और वो भी एडवर्टाइजमेंट चला रहा है,
तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल टी शर्ट फॉर मैन जो पूरा कीवर्ड है, ये एक फ्रेज़ कीवर्ड है, अगर मैं इस पे 2 रुपये की बिडिंग कर रहा हूँ और जो मेरा कंपटीशन है वो इसी कीवर्ड पे 2.5 रुपये की बिडिंग कर रहा है, तो जब कोई बायर अमेज़ॉन पे आके इसको सर्च करेगा टी शर्ट फॉर मैन को, तो उसका जो कंपटीशन जो है वो बिडिंग ऊपर कर रहा है, मतलब वो 2.5 रुपये की बिडिंग कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट मेरे से ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा या फ्रंट पेज पे रिफ्लेक्ट करेगा, हो सकता है मेरा प्रोडक्ट कहीं पीछे रिफ्लेक्ट करे, और अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं चला रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट हो सकता है सेकेंड या थर्ड पेज पर रिफ्लेक्ट करे। तो ये आपने नॉर्मली सुना ही होगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो नॉर्मली जितने भी बायर्स हैं, आप भी एज अ बायर जब अमेज़ॉन पर परचेसिंग करते होंगे तो आप फ्रंट पेज पे ही प्रोडक्ट्स देखते होंगे, बहुत कम ही ऐसे बायर होते हैं जो स्क्रॉल करके पेज 2 या 3 पे जाते हैं, जो फ्रंट में 3-4 प्रोडक्ट्स आएंगे, 3-4 तो नहीं थोड़े ज़्यादा आते हैं, जो प्रोडक्ट्स आएंगे उन पर आप क्लिक करेंगे और उन्हीं के अंदर फिर आप डिस्क्रिप्शन, उनके रिव्यूज़ देखने लगते हैं और उन्हीं में डिसाइड कर लेते हैं आपको क्या परचेस करना है। पर ये सारे ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, आप कुछ भी सर्च करिए, ऊपर जो टॉप के 4-5 प्रोडक्ट आते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, उसके बाद कुछ जो हाई सेलिंग जो ऑर्गेनिक रैंकिंग्स हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, और बीच बीच में भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितनी बिडिंग कर रहे हैं, और सेकेंडली ये तो बिडिंग हो गई कीवर्ड वाइज, उसके बाद आप डेली का एक बजट रख सकते हैं। जैसे आपने ये बिडिंग कीवर्ड्स पर लगा दी, कुछ 10-15 कीवर्ड्स पर लगा दी, और कीवर्ड्स आप साथ ही साथ ये मैनुअल एडवर्टाइजमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, आप कीवर्ड्स वहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ कीवर्ड्स पे सेल नहीं आ रही, क्लिक हो रहे हैं बट सेल नहीं आ रही है, तो आप उनको बाद में डिलीट कर सकते हैं। और इस तरह से एक ऑप्शन और होता है, आप नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी शर्ट जो मैं सेल कर रहा हूँ वो टी शर्ट जो है वो मेन के लिए, और कोई गर्ल या कोई वुमेन टी शर्ट सर्च कर रही है टी शर्ट फॉर वुमेन, तो मैं वुमेन वर्ड को एज अ नेगेटिव कीवर्ड में डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो फॉर मेन है, तो अननेसरी मेरा टी शर्ट वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। कोई अगर वुमेन सर्च कर रही है और वो अगर क्लिक कर देती है, क्योंकि प्रोडक्ट देखते ही वो डिसाइड नहीं कर पाएगी, या वो जस्ट वैसे ही उसको अच्छा लगता है तो वो क्लिक कर दिए, बट वो परचेस नहीं करेगी क्योंकि वो माइंडसेट के साथ आई हुई है कि उसने अपने लिए एज अ वुमेन टी शर्ट लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चांसेस बहुत कम होता है कि आपकी सेल वहाँ पे आए, तो आप ऐसे नेगेटिव कीवर्ड्स डाल सकते हैं। अगर आप कोई एडल्ट के लिए टी शर्ट है, कोई मेन है जो एक एडल्ट मेन के लिए आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे किड्स टी शर्ट में आपका वो जो प्रोडक्ट है वो वहाँ रिफ्लेक्ट ना करे, तो आप वहाँ पे किड्स करके भी कोई फ्रेज या एग्जैक्ट कीवर्ड डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। आप इसके आगे आप जब कीवर्ड्स में जाएंगे तो उसमें भी 2-3 चीज़ें होती है, ब्रॉड सेक्शन होता है, एग्जैक्ट सेक्शन होता है और फ्रेज सेक्शन होता है। तो ब्रॉड में क्या होता है कि आपने अगर टी शर्ट डाला है तो टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर वुमेन, ये सब कैटेगरी कवर हो जाएगी उसमें। बट एग्जैक्ट डाला है तो अगर आपने टी शर्ट फॉर मैन डाला है तो यही एग्जैक्ट कीवर्ड पे जब सर्च होगा तभी आपका प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। और तीसरा फ्रेज होता है, वो भी एक तरह से अगर कोई लॉन्ग सेंटेंस आप डाल रहे हैं तो वो पूरा सेंटेंस अगर आता है तो वैसा आपका प्रोडक्ट वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बेसिक मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दी है। मैं आपको फटाफट पोर्टल पे जाके एक बार दिखा भी देता हूँ कि आप कैसे रन करेंगे एडवर्टाइजमेंट। ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो है, एक बहुत बड़ा चीज़ बन चुका है अमेज़ॉन में। अगर आप प्राइवेट लेवल्स में डील करते हैं तो एक कंपलसरी या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन चुकी है आज की डेट में। अगर आपको अच्छी सेल चाहिए तो आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी ही पड़ेगी, चाहे आप अमेज़ॉन इंडिया पे बिजनेस कर रहे हो या amazon.com पे कर रहे हो। ऑर्गेनिक सेल भी आती है अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट है और कंपटीशन बहुत कम है, तो इस तरह में आपकी बिल्कुल आएगी। बट अगर जहाँ पे आपके कंपटीशन जो ज़्यादा हैं और वो लोग एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट कहीं पे गुमसा हो जाएगा और वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो फिर आप खुद ही डिसाइड करिए कि कैसे कोई परचेज़ उसको करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो चलो फटाफट मैं आपको पोर्टल पर दिखाता हूँ कि ये कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अमेज़ॉन पोर्टल पर आ गए। अभी अपन को क्लिक करना है कैंपेन पे, एडवर्टाइजमेंट पे। आप कैंपेन पे जाएंगे, कैंपेन मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कैंपेन मैनेजर में क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ से क्रिएट कैंपेन में जाना है। क्रिएट कैंपेन पे आप जब क्लिक करेंगे
देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन आपको रन करना है, ब्रांड करना है। ये अभी ये न्यूली बीटा वर्जन है, ये अभी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड रिसेंटली ऐड किया हुआ है अमेजोन ने। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड ऐड पे जाएंगे, क्योंकि अभी हमें हम ये जो ऐड चला रही है कन्वर्जन के लिए चला रहे हैं। तो इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम क्रिएट कैंपेन में आ गए। अब हमें यहाँ पे आप कोई भी नेम सब याद रखने के लिए आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्टैंडर्ड नाम डाल देता हूँ, जिससे मुझे रिकॉल रहे। यहाँ पे आप स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और जब आपको स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नो एंड डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। डेली का बजट है आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं $2 डालता हूँ, अब यह देखिए ये जो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक के लिए पूछ रहा है या मैनुअल के लिए पूछ रहा है। तो अभी हम ऑटोमेटिक रन करते हैं। अब यहाँ पे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी में अमेजोन ये पूछ रहा है, जैसे ये डायनेमिक बिड है, डायनेमिक बिड डाउन ओनली, अप एंड डाउन ओनली, फिक्स बिड। तो इसमें यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिड आप कुछ डिसाइड करते हो, आप 0.6 डॉलर डिसाइड कर रहे हो या जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे अमेजोन ये कह रहा है कि वो जो बिड आपने डिसाइड करी है, बट अमेजोन को लगता है कि जो कस्टमर या बायर सर्च कर रहा है अमेजोन पे, वो कम चांसेस है कि वो सेल में कन्वर्ट होगा। तो वो बिट को जो आपने 0.6 वहां पे डिसाइड करी हुई है, उसको वो डाउन कर सकता है, मतलब उससे कम पर क्लिक में आपको चार्ज करेगा। यहाँ पे जहाँ पे उसको लगता है, जैसे अप एंड डाउन में उसको जहाँ पे लगता है, अगर ये डायनेमिक बिट रहेगी तो उसको लगता है कि अगर कन्वर्ट होने की ज्यादा चांसेस है तो अप टू 0.6 को वो ऑलमोस्ट डबल कर सकता है, जो 1.2 हो जाएगी पर क्लिक कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, amazon.com पे बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सब कुछ डॉलर्स में। या फिक्स बिट है जो आपने 0.6 या आप जो भी $1 पर क्लिक पे करना चाहते हैं, जो भी आप पे करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे फिक्स बिट कर दिया तो वो ही चार्ज होगा, अमेजोन उसमें कुछ भी अपना चेंजेस नहीं करेगा। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली डायनेमिक बिट डाउन ओनली ही सही है, क्योंकि अप में आप लगा नहीं सकते कि वो आपने जो बजट पर क्लिक कॉस्ट लगाया हुआ है वो कितना बढ़ा दे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अप टू 100%, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर देगा वो, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। हम डायनेमिक बिट पहले डिसाइड कर लिए और वो डाल देंगे। यहाँ पे आप एक कैंपेन के अंदर दो तीन एड ग्रुप बना सकते हैं, ये जो इनने सैंपल नाम दिया आप चेंज भी कर सकते हैं, तो आप यही रखना चाहे तो यही रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये ऐड मैंने कर लिया यहाँ पे कि ये लैपटॉप बैग है और इसको इस पे मैं एडवर्टाइजमेंट चला रहा हूँ। अब ये आ गया, यहाँ पे आपको बिट डिसाइड करनी है जो पर क्लिक बिट है। amazon.com पे डॉलर्स में आपको डालनी पड़ेगी और ये काफी हाई वहां पे चल रही है। ये जो यहाँ पे वो सजेस्टेड बिट बता रहा है वो पर क्लिक की बात कर रहा है $1। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, डेली बजट अलग चीज है। डेली बजट है कि डेली आप कितने $5 का बजट ले सकते हैं, जहाँ पे अभी ऊपर मैंने $2 का लिया था। आप डेली कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना चाहते हैं वो डेली बजट हो गया, और पर क्लिक क्या चीज है, यहाँ पे आप पर क्लिक के कितना आप देना चाहते हैं, तो ये चीज है। तो मैं यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 0.02 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ये। और दूसरा यहाँ पे सेट बिट बाय टारगेटिंग ग्रुप, इसमें एक नया ऑप्शन इन्हें इंक्लूड कर दिया है। इसमें ये आप कोई ग्रुप जो भी आपने मान लीजिए, अगर मैं ये लैपटॉप बैक पे चला रहा हूँ तो उस लगेज कैटेगरी में मैं चलाना चाहता हूँ, तो मैं वो उस ग्रुप में जितने भी कॉम्पिटिशन है उसके अगेंस्ट में भी चला सकता हूँ, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक बिट सिलेक्ट किया, तो इसलिए वो हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है कीवर्ड्स डालने का, सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड डालने का ऑप्शन दे रहा है ये। जैसे अब मैं यहाँ पे लैपटॉप बैग में दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि स्कूल बैग, स्कूल किड्स बैग, क्योंकि लैपटॉप बैग कोई स्कूल का बच्चा तो यूज नहीं करेगा, तो इस तरह के कीवर्ड्स डाल सकता हूँ, ठीक है। पर मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मैं डाल रहा हूँ ये नेगेटिव मैं एग्जैक्टली लूंगा, फ्रेज नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेज में क्या होगा, इसके रिलेटेड जो भी आगे सेंटेंस होगा वो भी कवर्ड हो जाएगा। तो इसलिए एग्जैक्ट में अगर कोई सिर्फ एग्जैक्ट ये टर्म डाल रहा है तो मेरा ये प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐड कीवर्ड कर दूंगा ये नेगेटिव का। ऐसे ही जब आप मैनुअल चलाओगे तो मैनुअल में यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड्स डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड्स डाल दोगे जो जो आपको डालना है, और फिर ऐड कर दोगे, और एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं कीवर्ड पे चलेगी। फिर बस यहाँ से आप लॉन्च कैंपेन कर देंगे तो आपकी कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। बस इतना ही करना है, ऐसी मैनुअल में आपको कीवर्ड सिलेक्ट करना है, और अगर ब्रांड में चलाते हैं तो आपको ब्रांड सिलेक्ट करना है।
देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया कि आपकी कैंपेन हो गई, ऑटोमेटिक टारगेटिंग मैंने डायनेमिक बिड डाउन ऑनली रखी हुई है, एडजस्टमेंट बिड जो भी है टॉप सब 0% है, प्रोडक्ट 0% है, ये मैंने नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया था। ये मैनुअल मैं कभी भी जाके इसे एडिट करके बंद कर सकता हूँ एडिट कैंपेन में जाके, और ये प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट ही मैंने इसमें सिलेक्ट किया था इसलिए एक ही प्रोडक्ट यहाँ रिफर कर रहा है। आप कितने भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स पे आप जो प्रोडक्ट सर्च होंगे वो उसी कैटेगरी के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैंपेन में आपने लैपटॉप बैग भी डाला हुआ है, टी शर्ट भी डाला हुआ है, हैंडबैग भी डाला हुआ है, तो उन कीवर्ड्स पे सर्च होगा तो वहाँ जहाँ पे कोई लैपटॉप बैग सर्च करा तो आपका टी शर्ट वहाँ रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा अगर आप मैनुअल चला रहे हैं। तो इस तरह से आपको बचने के लिए आप उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स डालिए जो भी एक कैंपेन है, नहीं तो एक कैंपेन टू चला दीजिए एड ग्रुप टू पर, एड ग्रुप तो नहीं, एक न्यू कैंपेन आप स्टार्ट करिए तो उसमें आपके कीवर्ड्स भी आप न्यू डालेंगे, तो इस तरह से आपका कैंपेन चलने लगेगा। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। सेकेंडली, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग्स ज्वाइन करने में, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं टीम वीवर के थ्रू ट्रेनिंग देता हूँ। आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी टीम वीवर के थ्रू होता है। तीसरा, आप मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में आके, यहाँ पे मुझसे सीख सकते हैं, या मेरी नॉर्मली मेट्रो सिटीज़ में मेरी ट्रेनिंग होती है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली दिल्ली में अपकमिंग ट्रेनिंग है जो मेरी 22-23 फरवरी को है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।